एकदम है जो पुलिस और किसान घुसे हुए आमने सामने लग चल रहे हैं, लाठी चलाई जा रही दोनों तरफ से आमने सामने किसानों की। ਤਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਿੰਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खिंडा के रखा जाए। कई थावां ते किसानां दा पुलिस नाल टकराव भी होया। तस्वीरां च असीं इह भी देखिया कि एक किसान कह रहा सी कि उह पुलिस वाले तो शील्ड ते मास्क खोह के लैके आया है। सो इस तरीके दीआं तस्वीरां अज पूरे दिन तो सवेर तो जिहड़ियां ने उह खनौरी बॉर्डर शंभू बॉर्डर उत्थे नज़र आ रहियां ने। हरियाणा पुलिस की पूरी यह कोशिश है कि किसी भी हालत दे विच किसानां नूं इह बॉर्डर क्रॉस ना करन दित्ते जाण ताकि उह पहलां वांग सिंघू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर ना पहुँच सकन। सो उसनू लैके हरियाणा पुलिस ने जो पहला तैयारी की हुई सी उस तैयारी का असर अज नज़र आ रहा। हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि असी अगे वधन की कोशिश ही नहीं की, असी अपने वाले पासे खड़े हाँ, फिर साढ़े ते इस तरीके का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, इस तरीके नाल क्यों साढ़े नाल धक्का किया जा रहा, यह गल किसान कहिंदे नज़र आए ने। जींद तो साढ़े सहयोगी विजेंद्र कुमार जिहड़े ने वो जुड़े ने जीन दे विच। विजेंद्र इस वेले की ताजा माहौल है, थोड़ा समझना चाहवांगे। जी विजय, देखिए मैं इस वक्त दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर ही मौजूद हूँ और लगभग मैं अभी 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था और मैंने जब देखा कि दोनों तरफ से जमकर टकराव हुआ, दोनों तरफ से जमकर लाठियां चलाई गई, कभी पुलिस वालों को दौड़ाकर पीटा गया, कभी पुलिस वाले किसानों को दौड़ाकर पीट रहे हैं, कभी किसान पंजाब की तरफ भाग रहे हैं, एक दो ट्रैक्टर कब्जे में लिया पुलिस ने और कुछ किसान इसमें घायल भी हुए हैं। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, 15-20 मिनट की कह सकते हैं ड्यूरेशन में 50 से अधिक आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान कस्से मत होने को तैयार नहीं है। उनके हाथों में भी लाठियां हैं और वो जमकर मुकाबला कर रहे हैं। बिल्कुल एक कह सकते कि क्लोज फाइट हुई है, आमने सामने फाइट हुई है जमकर कई देर तक, लगातार 2 घंटे से माजरा चला हुआ है। कभी पुलिस वाले हरियाणा की तरफ भागते हैं, उनको जब किसान ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो पुलिस वाले भागने को मजबूर होते हैं, और जब जो है बड़ी संख्या में पुलिस वाले इकट्ठे हो जाते हैं तो कभी किसानों को दौड़ाकर पीटते हैं पंजाब की तरफ। तो इस तरह का जो माहौल है पिछले 2 घंटे से बना हुआ है, इसमें कुछ किसान भी घायल हुए हैं, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, एक एम्बुलेंस आई थी पुलिस की तरफ से वो गई है वापिस। तो ये जो नजारा है ये फिलहाल बॉर्डर का है, लगातार आंसू गैस के गोले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बड़ी अपडेट इसमें ये है, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर की तरफ जुटना शुरू हो गए हैं, ट्रैक्टर ट्रोलियों में आकर पंजाब के किसानों का साथ देने के लिए वो बॉर्डर पर जमा हो गए हैं। यानी पुलिस को बीच में घेरने की कोशिश हो रही है कि पुलिस को बीच में घेरा जाए और बॉर्डर को तोड़ा जाए, उनको सपोर्ट करने के लिए, पंजाब के किसानों की मदद करने के लिए जो आसपास के गांव हैं वहां के किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए, धरना लगा दिया है। बाकायदा यहां पर उन्होंने डीजे लगा दिया है, भाषणबाजी और जो है इस तरह के विचार रखे जा रहे हैं कि पंजाब के किसानों का साथ दिया जाएगा, बॉर्डर को आज नहीं तो कल तोड़ दिया जाएगा। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है विजय, पंजाब के जो दाता सिंह खनौरी बॉर्डर है दोनों तरफ से जो है जमकर टकराव, जमकर लाठियां और इस तरह के जो कह सकते हैं कि बड़े खराब हालात बॉर्डर के ऊपर हैं। और हमने ये जो नजारा है मात्र 50 मीटर की दूरी पर देखा है, क्योंकि जो पंजाब के किसान है वो खेतों से होते हुए भी आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान खेतों में खड़े हैं, सड़कों पर हैं, और जो उनका जो मेन काफिला है वो अभी आना बाकी है। जो युवा हैं, जो यूथ हैं, खासकर वो मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लाठियां चला रहे हैं और पुलिस को थकाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसी जद्दोजहद में, इसी टकराव में, इसी लड़ाई में काफी किसान घायल भी हुए हैं। फिलहाल ये नजारा पिछले 2 घंटे से बना हुआ है और ना किसान पीछे हटने को तैयार है और पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, हरियाणा पुलिस, महिला टुकड़ी, कई तरह की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, पहली बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार जब 2020-21 में किसान आए थे उस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगाई गई थी, लेकिन अब की बार सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि सख्ती से निपटा जाएगा। इसीलिए जो पहली बार में ही जो पहली लेयर की सुरक्षा है वहीं पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है हरियाणा पुलिस के साथ, तो
सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हैं, लेकिन किसान भी टस-टमस होने को तैयार नहीं है। सरकार के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हरियाणा के किसान अब होंगे, क्योंकि 400-500 की संख्या में अभी पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि बड़ा जत्था जो है बॉर्डर के ऊपर इकट्ठा होगा और बैरिकेडिंग को हटाया जाएगा, क्लीन करेंगे और पंजाब के किसानों को एक फ्री पैसेज, एक रास्ता दिया जाएगा दिल्ली की सीमा पर पहुंचने के लिए। लेकिन फिलहाल की बात करें तो टकराव की स्थिति है और बड़ी गंभीर स्थिति बॉर्डर पर बनी हुई है। अच्छा विजेंद्र, असी जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं जिस दे विच भज दौड़ दिखाई दे रही है या ये टकराव नजर आ रहा है, ये मेन जिथे बैरीकेडिंग की हुई है उसके नजदीक ही है या कितने आसे पासे है? नहीं बिल्कुल, जो मेन बैरिकेडिंग की हुई है उसी के ऊपर वाटर कैनन, टीयर गैस के जो वाहन है वो खड़े किए गए हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रदर्शनकारी हैं, किसान हैं, वो 50 से 100 मीटर की दूरी पर है बॉर्डर की और वो परवाह नहीं कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले आ रहे हैं, जो बोरियां होती हैं गेहूं की वो डायरेक्ट उससे जो है कवर कर रहे हैं, फेंक रहे हैं आंसू गैस के गोले। आमना सामना टकराव एक देखने को मिल रहा है, कोई डर कोई भय का माहौल उनमें नहीं दिख रहा है। जैसे ही पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है वो बोरी से उसको दूर फेंक देते हैं और या फिर उसको पानी में फेंक देते हैं, किसी तरीके से रिस्क ले रहे हैं दोनों तरफ से। और हालांकि ड्रोन से भी यहाँ पर इस तरीके की एक कोशिश हुई थी आंसू गैस के गोले छोड़ने को, जिसमें किसान भी घायल हुए हैं, लेकिन किसान भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आए। हमने काफी देर वहां खड़े होकर नजारा देखा और बिल्कुल नजदीक से नजारा देखा कि किस तरीके से किसान भी हटने को तैयार नहीं और पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है। दोनों तरफ से घायल हुए हैं, बावजूद उसके दोनों डटे हुए हैं और जमकर लाठियां चल रही है। कई बार टकराव हो चुका है और हर बार जो है कभी पुलिस पीछे हटने को मजबूर होती है, कभी किसान पीछे हटने को मजबूर होते हैं। तो फिलहाल ये कनौरी बॉर्डर पर, दाता सिंह बॉर्डर पर, जो दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर है, मेन बॉर्डर पर मुख्य जो इनका पॉइंट बनाया गया है उसी पॉइंट के नजदीक झड़प हुई है और झड़प लगातार चल रही है। जी अच्छा विजेंद्र, एक चीज और समझनी चाहवांगे, जेडे किसान आगू जिन्होंने कॉल दी है दिल्ली वाल जाने की, जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने, वो आगू कित्थे ने? की उन्होंने कोई क्लीयर लाइन दी है कि अगे वधना है या इत्थे ही बैठना है, अपनी गल रखनी है, कन्वे की कोई लाइन क्लीयर है? देखिए हरियाणा के जो किसान हैं वो उन जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं, कोई नेता नहीं है, कोई आगू नहीं है उनका। उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है पंजाब के जो किसान है वो बड़े भाई हैं, उनको रास्ता दिया जाएगा। और खास बात देखने को ये मिल रही है कि जो हरियाणा के किसान है वो किसी लीडर के कहने पर नहीं चल रहे हैं। कोई नेता नहीं है इस आंदोलन का हरियाणा की तरफ से, अब की बार कोई कॉल नहीं दी गई थी हरियाणा की तरफ से इकट्ठा होंगे साथ देंगे, लेकिन जिस माहौल देख के आगे खबर जी जैसे एक्शन हुआ शंभू बॉर्डर पर, एक तरह से टकराव हुआ, जैसे जैसे टकराव हुआ यहाँ से ट्रैक्टर ट्रोलियों भरकर किसान बॉर्डर की तरफ पहुंचना शुरू हो गए। कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि दलने वाले वहां से लीड कर रहे हैं, अभिमन्यु कुहार लीड कर रहे हैं, क्या मैसेज है उनका? सिर्फ इतना सा रोल है, वो इतना सा चाह रहे हैं कि पंजाब उनका बड़ा भाई है, उनको बॉर्डर तोड़ के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचाया जाएगा, दिल्ली की सीमा पर प्रवेश करवाया जाएगा। इसको लेकर हरियाणा के किसान उनका साथ दे रहे हैं, इसमें किसी लीडर की, किसी नेता की कोई भूमिका नहीं है। जी विजय, तो अभी वो लीडर हैं कहाँ पे जिन्होंने कॉल दी थी? क्या वो खनौरी बॉर्डर पे हैं, शंभू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए अभी तक जो बड़े लीडर हैं हरियाणा की तरफ से, इसमें एक दो लीडर ही शामिल थे, अभिमन्यु कुहाड है, उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट या कोई डायरेक्शन या किसानों के नाम कोई मैसेज नहीं आया और ये पता नहीं है वो किस बॉर्डर पर अभी मौजूद हैं। और